ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांवपुर शहर में 18 से 44 साल के व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के केंद्र का जिलापाल निखिल पवन कल्याण के हाथों शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिलापाल निखिल पवन कल्याण के साथ स्थानीय विधायक सीएस राजनेका की उपस्थिति में वैक्सीन केंद्रों का शहर में फीता काट कर उद्घाटन हुआ। ज्ञात हो कि पहले राजगांवपुर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राउरकेला जाना पड़ता था, लेकिन अब इन केंद्रों के खोले जाने से राजगांवपुर वासियों को आसानी से वैक्सीन लग पाएगी। जिलापाल निखिल पवन कल्याण ने बताया कि गांव में भी विभिन्न माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो और सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। यहां तक कि सभी केंद्रों पर अनपढ़ लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए भी बूथ बनाया गया है जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। तो सबको टीका लेना ही चाहिए कोरोना से बचने के लिए, और पहले तो कितना डर था, अभी टीका लेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगा, तो कोरोना से लड़ने का शक्ति भी मिलेगा। और दोनों टीका लेना चाहिए जरूरी से, जिस स्टेट में कहा गया है, जहां कहा गया है उनको ये टीका लेना चाहिए। और कोरोना का जो नियम है, मास्क पहने, हाथ धोए, वो सबको फॉलो भी करना चाहिए। टीका के साथ साथ यदि टीका ले लिए तो बाकी के रूल्स को फॉलो नहीं करना है, और एक मीटर का दूरी में भी खड़े रहें और बाकी सब नियम को फॉलो करें। टीका से डरिए नहीं, आपको टीका लेना ही चाहिए। डरना है तो कोरोना से डरिए, टीका से नहीं डरिए। टीका तो हम कितना सारे बीमारी का टीका लेते हैं, बस ये कोरोना का भी टीका लीजिए। संवाददाता राम प्रेस चौधरी, 20 आरएस न्यूज, ओडिशा।